how to convert your unit. For unit control, just go to customize and then unit setup. ठीक है, unit setup पे क्लिक करते हैं तो हम लोग अभी जैसे मेरा काम सारा सिविल का है, तो हम लोग ने यहाँ पे फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस कर रखा है, राइट। लेकिन जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की डिजाइन करते हैं, जैसे कि बेसिन है, ये है, तो हम सेंटीमीटर में अगर डिप्लॉय करता है, मैक्सिमम सेंटीमीटर में रहता है, तो हम क्या करें यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट करके इसको ओके करेंगे। और फिर जब हम लोग यहाँ से बॉक्स या कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो हमें अपने सेंटीमीटर उसका लेंथ विड्थ और अगर मीटर में, तो हम लोग मीटर प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक। और सेम सेगमेंट लेंथ सेगमेंट वही रहेगा, विड्थ सेगमेंट वही रहेगा और हाइट सेगमेंट वही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी हम बना सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन हमको कोन लिया और जैसे बॉक्स लिया था, ऐसे हमको कोन लेना है इस तरह से, और कोन लेके इस तरह से कोन को हाइट दे देना है। अब यहाँ पे ऊपर जितना आपने हाइट दिया, उसके बाद जितना आपको यहाँ पर रखना है कोन का सेप, ठीक है, उतना आप कोन का सेप ऐसे भी आप रख सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो। लेकिन आप देखिए रेडियस 1 इतना है, ठीक है, और रेडियस 2 इसका इतना है, जितना आपको रेडियस प्रोवाइड किया, अगर रेडियस 2 उतना रेडियस 2। अब जैसे बर्थडे केक होते हैं, बर्थडे का कैप होता है, तो आपको कैप जनरेट करना, दूसरे से कैप करके बाद में आपको कमांड बताएंगे इसके अंदर पूरा हॉलो कर देने का, ठीक है। तो हॉलो भी कुछ नहीं करना है, जैसे भी हॉलो भी करना है ना इसको, तो जस्ट आपने भी पढ़ा ना कन्वर्ट राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, उससे हो जाएगा इजीली। देखिए कैसे, आपने जैसे राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ पर अपने पॉलीगन पढ़ा था, पॉलीगन लिया और इसको सेलेक्ट किया, एडिट कर दिया, कैप हमारी तैयार हो गई। तो इस तरह से लाइक हमें बस थॉट लेना है कि बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है, बस थॉट लिया बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अभी और इस पर दो तीन फीचर्स लाइक जैसे मैंने कॉन किया लिया और ये लेने के बाद इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट सेगमेंट्स, यहाँ पे हाइट पे 5 सेगमेंट्स हैं सर, रेडियस और यहाँ गया हमें रेडियस और रेडियस 2, एक नीचे का एक ऊपर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाइट सेगमेंट इस तरह से बढ़ाया, इसके बाद कैप सेगमेंट, कैप मतलब सर यहाँ ऊपर की कैप, ठीक है, जैसे है ना ऊपर कैप है ना, तो इसके सेगमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करना स्टार्ट करो, देखिए यहाँ पे 1 सेगमेंट आ गया, 2, 3, 4, 5 ठीक है, बढ़ता चला जा रहा है हमारे सीगमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सीगमेंट्स करते चलाएंगे। यहाँ पर सर देखिए साइड्स है, ठीक है, तो जितनी आप साइड्स करते हो ना, लाइक अभी जैसे हम लोग वॉल को अगर हम लोग पेंट करना होता है, तो पहले एक रफ करते हैं ना, रफ पेपर से इसको रफ करते हैं, तो जब रफ करते हैं तो उसमें क्या होता है, सीगमेंट्स कटते हैं, बहुत ढेर सारे स्क्रेच होता है ना, तो क्या होता है, प्लेन होने लगता है, चिकना होने लगता है, राइट। ऐसे यहाँ पर हमारे पास साइड्स होते हैं, अभी जैसे अभी आप साइड्स कम करो और कम साइड करके आप इसको रेंडर करके देखोगे, तो देखो आपको कैसे दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। बट जैसे आपने साइड्स को बढ़ा लिया, इस तरह से ढेर सारे साइड्स बढ़ा लिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे रेंडर प्रोडक्शन पे देखा, तो देखिए क्या हो गया, ये क्लियर होने लगा, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे साइड बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे साइड पर चला जाएगा। यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ क्लिक करने से क्या हो रहा है सर, सारे ऑब्जेक्ट हमारे स्मूथ बन रहे हैं। अगर हमने स्मूथ नहीं क्लिक किया तो रहेगा वैसे ही, लाइक थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस में इसके इफेक्ट आएगा, तो जो क्लैरिटी इस पर रहेगी वो क्लैरिटी इस पर नहीं दिखाई देगी। अभी तो बहुत ज़्यादा साइड से, इसलिए थोड़ा बहुत दिखा सकता है। अपने जैसे साइड्स के लाइक इतने साइड ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर रेंडर करके देखोगे, तो उस तरह की क्लैरिटी नहीं रहेगी जितनी क्लैरिटी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका स्मूथनेस ऑफ कर रखा है, राइट। और यहीं पर एक और छोटा सा ऑप्शन होता है स्लाइस, स्लाइस मीन्स काटना। हमने जैसे इसका स्लाइस को ऑन किया और ऑन करके आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको तैयार कर दिया, और फिर हमने स्लाइस को जैसे ऑन किया, एक मिनट रेट नहीं करना साइड, यहाँ पे आप जैसे स्लाइड को ऑन करने के बाद यहाँ से फ्रॉम बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते चले जा रहे हो, ये देखिए इस तरह से तैयार होते चला जा रहा है, जितना पार्ट हमें चाहिए। अब जैसे मुझे इतना पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे लाइक जैसे हम फ्रूट्स बना रहे हैं, लाइक ऑरेंज का पार्ट करके जब गिरता है, लाइक ऑरेंज है, वाटरमेलन है, और वाटरमेलन को आपको दिखाना है, इस तरह से काट देंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर सिग्नल डाल के रेड कलर फिल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जितना इसको स्लाइस ऑन करते जाएंगे, उतना ज़्यादा ये बनता चला जाएगा, हाफ क्लिक 75%, 80% और 100%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्लाइस कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बुक्स बनाने हैं, आप बुक्स के लिए आप इस तरह से स्लाइस कर सकते हो, फिर उसके बाद हम आगे हम कमांड्स पढ़ेंगे, जिससे हम पूरा ये पीछे का गैप करते हैं, बुक्स के पेजेस बन जाए, आराम से बुक्स हम बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने बेसिक्स ऑप्शंस देखे, लाइक हमने देखा कि किस तरह से हम लोग बॉक्स को यूज़ करते हैं, कोन को और प्लेन को, और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि स्फीयर्स और जियोस्फीयर, इनके थ्रू हम लोग क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही।